नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। हिंदू कैलेंडर की मुख्य तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया। यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया हिंदू कैलेंडर के वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या के बाद के 15 दिन जिनमें चंद्रमा बढ़ता है। अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष में ही आती है, इसलिए इसे आखा तीज या अखाती तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर एक निबंध है, जैसे तिथि का नाम अक्षय तृतीया, उद्देश्य धर्म पुण्य आदि करना, मान्यता शुभ एवं मंगल कार्य का शुभारंभ होना। कब पड़ती है अक्षय तृतीया? तो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह पड़ती है। महत्व क्या है इसका? तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना। और कहाँ से ले सकते हैं तिथि की जानकारी? तो आप पंचांग के कैलेंडर से इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अक्षय तृतीया का अर्थ। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी न खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म और दान करता है उसे उसका शुभ फल अवश्य मिलता है, और उस शुभ फल का प्रभाव कभी भी खत्म नहीं होता है। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला बहुत ही पावन पर्व है। सभी हिंदू इसे बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के साथ अक्षय तृतीया का दिन जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो अक्षय तृतीया के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अखाती तीज के पीछे कई हिंदू मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे भगवान विष्णु के जन्म से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे भगवान कृष्ण की लीला से भी जोड़ते हैं। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी ने श्री परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इसी दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी छठवीं बार धरती पर अवतरित हुए थे, और इसलिए यह दिन परशुराम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी त्रेता एवं द्वापर युग तक पृथ्वी पर अमर रहे। परशुराम सप्त ऋषियों में से एक ऋषि और रेणुका के पुत्र थे। यह ब्राह्मण कुल में जल में थे, इसलिए अक्षय तृतीय तथा परशुराम जयंती को सभी हिंदू बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ गई, और इसलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल हो गया। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरी मान्यता, यह दिन रसोई और पाक भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है, और माँ से भंडारे भरपूर रखने की वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई और भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। चौथी मान्यता, दक्षिण प्रांत में इस दिन अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर ने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन और संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी विष्णु पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजन से पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर का भी चित्र रहता है। पांचवी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था, और इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय प्राप्त की पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें से कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निधन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे।
इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है। अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता, यह मनुष्य के भाग को सालों साल बढ़ाता है। छठी मान्यता, महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। सातवीं मान्यता, अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निधन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुँचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उनकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सभी सुख सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व बढ़ गया है। आठवीं मान्यता, भारत की उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन से ही यहाँ के किसान अपने खेतों को जोतना शुरू करते हैं और इसी दिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा भी निकाली जाती है। अलग अलग प्रांत में इस दिन का अलग अलग महत्व है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। सभी व्यापारी द्वारा अपनी लेखा जोखा की किताब शुरू करने की प्रथा है, इसे यहाँ हल कथा कहते हैं। दसवीं मान्यता यह है कि पंजाब में ही इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन से नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवार का पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेतों की ओर जाते हैं और उस रास्ते में जितने अधिक जानवर एवं पक्षी मिलते हैं उतना ही फसल एवं बरसात के लिए शुभ शगुन माना जाता है। तो ये है अक्षय तृतीया की कुछ मान्यताएं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ मेरे चैनल पर। जय माता दी।